40वें चक्रधर समारोह में केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू शामिल हुए। मंत्री तोखन साहू और राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप राजा चक्रधर को पुष्पांजलि अर्पित की और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तोखन साहू ने कहा कि कला के सम्राट राजा चक्रधर सिंह के योगदान को चिरस्थायी बनाने के लिए यह आयोजन किया जाता है। राजा चक्रधर को संगीत से बहुत प्रेम था। उन्होंने संगीत को विश्व पटल पर स्थापित करने का काम किया है। 39वां चक्रधर समारोह का यह कार्यक्रम है। महाराज जी का संगीत के प्रति विशेष प्रेम, शास्त्रीय संगीत को विश्व में स्थान दिलाने का काम हमारे महाराज चक्रधर जी के द्वारा किया गया था। बड़े सम्मान के साथ हम उनको याद करते हैं। समाज में और संस्कृति विभाग में उनके योगदान को चिरस्थायी बनाने के लिए यह चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है और इस विधा से जुड़े हुए लोग, देश भर के लोग यहाँ पर आते हैं और अपना प्रस्तुति देते हैं और हम सबको गौरव की अनुभूति होती है। इसी कार्यक्रम में आने का मुझे अवसर मिला, मैं बेहद प्रसन्न हूँ। समारोह की शुरुआत में मशहूर तबला वादक अंशुल प्रताप सिंह ने शिव तांडव को तबले की थाप से अभिव्यक्त किया। वहीं देश के प्रसिद्ध संतूर वादक राहुल शर्मा ने संतूर वादन से कश्मीर के पहाड़ी संगीत धुन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के अगले चरण में नन्ही कलाकार अवंतिका विश्वकर्मा ने गणपति जगवंदन पर कथन की प्रस्तुति दी। वहीं रायगढ़ की दीक्षा घोष ने भरतनाट्यम के माध्यम से मां दुर्गा के रौद्र रूप और नारी शक्ति रूप को प्रस्तुत किया। इसके साथ ही रतीश बाबू ने भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से दर्शकों का दिल जीत लिया। समारोह की छठवीं अंतिम प्रस्तुति में इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ ने छत्तीसगढ़ी संस्कृति के इंद्रधनुष का जीवंत प्रदर्शन किया, जिसमें कर्मा, सरहुल, पंथी, गौरा गौरी जैसे प्रस्तुति देकर दर्शकों को छत्तीसगढ़ के तीज त्यौहार को मंच पर दिखाया। छत्तीसगढ़ के किरंदुल में